आईफोन तो ले लिया, लेकिन अब ये टाइप सी पेन ड्राइव, ये टाइप सी ईयरफोन, ये टाइप सी डाटा केबल और ये टाइप सी एसएसडी इतनी महंगी खरीदी थी S23 अल्ट्रा के साथ यूज करने के लिए, अब ये सब बेचना पड़ेगा और आईफोन के लिए सब नया खरीदो। अभी आईफोन की लाइटनिंग केबल निकालो और इसे लेकर घूमो। अरे वेट, ये तो लाइटनिंग नहीं है, टाइप सी है। अब तो आईफोन में टाइप सी है। हाँ, ये तो सच में टाइप सी है। अरे फिर तो कुछ नहीं बेचना, ये सब काम का है, ये टाइप सी पेन ड्राइव, टाइप सी केबल, टाइप सी ईयरफोन और ये टाइप सी एसएसडी भी। चलो फाइनली एप्पल ने टाइप सी पोर्ट दे ही दिया। अरे ये 5G mm वेव वाला एंटीना भी है, मतलब ये US मॉडल है। फिर तो 50,000 रुपए और बच गए। तो ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स। फाइनली मैंने इस पे स्विच कर ही लिया। वैसे तो मैं एंड्रॉइड लवर हूँ और अपना प्राइमरी डिवाइस पिक्सल ही रखती हूँ और साथ में यूट्यूब वर्क के लिए S23 अल्ट्रा यूज कर रही थी। लेकिन अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक ही फोन रहेगा। S23 अल्ट्रा को फाइनली बेच ही दिया और पिक्सल 7 को भी कभी कभी सेकेंडरी फोन की तरह यूज किया करूंगी। मैंने आईफोन 15, 15 प्लस एंड 15 प्रो भी यूज किए थे, लेकिन उन्हें अपना मैंने प्राइमरी फोन नहीं बनाया। 15 प्लस एंड 15 प्रो भी मैंने बेच ही दिए। अब 15 प्रो मैक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैंने S23 अल्ट्रा भी बेच दिया। इस फोन को मैं 15 दिन से यूज कर रही हूँ। पहले मुझे लगा कि मैं इसे भी बेच दूंगी, लेकिन स्लोली मैं S23 अल्ट्रा से ज्यादा इसे यूज करने लगी और अब मुझे S23 अल्ट्रा इस फोन से स्लो फील होने लगा था। और फैक्ट ये है कि आईफोन 15 प्रो में भी सेम प्रोसेसर है, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। यहाँ सिंपल सा रीजन है, लेकिन बहुत नोटिसिएबल है। अगर किसी ने प्रोमोशन डिस्प्ले वाला आईपैड प्रो यूज किया हो तो उसे आइडिया होगा कि प्रोमोशन डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ लगती है। तो यहाँ वो सिंपल सा रीजन है डिस्प्ले साइज। जितनी ज्यादा छोटी डिस्प्ले उतना ही रिफ्रेश रेट का डिफरेंस कम, और जितनी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले उस पर डिफरेंस उतना ही ज्यादा। S23 अल्ट्रा की डिस्प्ले बड़ी है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की वजह से मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। आईफोन 15 प्रो की डिस्प्ले छोटी सी थी, तो वहाँ एप्पल के iOS की स्मूथनेस एंड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इतनी ज्यादा स्मूथ मुझे फील नहीं हुई। लेकिन ये 15 प्रो मैक्स के साथ डिस्प्ले की स्मूथनेस बहुत ज्यादा नोटिसिएबल है और इसमें इसके प्रोसेसर का भी रोल है। दूसरा पॉइंट इस फोन पर स्विच करने का है इसकी बैटरी लाइफ। बेस्ट बैटरी लाइफ है यहाँ। S23 अल्ट्रा के कंपैरिजन में आईफोन 15 प्रो का स्क्रीन ऑन टाइम बहुत कम था, लेकिन इस फोन का स्क्रीन ऑन टाइम अल्ट्रा से थोड़ा ज्यादा ही है। डेली यूज के पॉइंट से अगर एक्सप्लेन करूं तो इस फोन से 4K वीडियोस बनाने से लेकर आउटडोर में 5G यूज तक हैवी यूज किया, जहां कुछ वीडियोस भी एडिट किए, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन यहां एक नेगेटिव पॉइंट है, इसे चार्ज होने में अल्ट्रा से लगभग 30 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाते हैं। फिलहाल मैं इसे नथिंग के 45 वॉट वाले अडेप्टर से चार्ज करती हूँ और उससे चार्ज करने में ये हीट नहीं होता। जनरली आईफोन्स दूसरी कंपनी के अडेप्टर से चार्ज करने पर हीट करने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। S23 अल्ट्रा भले ही इस फोन के साइज का था, लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी इस फोन के कंपैरिजन में अच्छी नहीं थी। यहाँ साउंड ऐसा आता है जैसे एक्सटर्नल वूफर लगा दिया हो। बेस बहुत ही अच्छा है एंड साउंड फुलर है। डिस्प्ले भले ही सैमसंग ने प्रोवाइड की हो, लेकिन इसकी डिस्प्ले S23 अल्ट्रा से बेटर है। यहाँ कंटेंट ज्यादा क्रिस्प लगता है क्वाड एसडी डिस्प्ले ना होने के बावजूद भी। डॉल्बी विजन का एक्चुअल सपोर्ट एप्पल ही देता है। यहाँ कंटेंट देखने में लगता है कि डॉल्बी विजन से एक अलग ही क्वालिटी आती है, वरना एक दो कंपनी और भी है जो अपनी डिस्प्ले को डॉल्बी वीडियो वाली बताती है, बट दूर दूर तक लगता ही नहीं कि क्वालिटी में कुछ डिफरेंस हो। अल्ट्रा का बेस्ट पॉइंट था उसका रेक्टेंगुलर डिजाइन वाला कंटेंट फुल स्क्रीन पर आता था और छोटा सा पंच होल था, तो वो व्यूइंग ज्यादा इमर्सिव था। यहाँ वो एक्सपीरियंस मिसिंग है। डायनामिक आइलैंड थोड़ा एक्सपीरियंस खराब करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इस पर स्विच करना इजी कर दिया वो है टाइप सी पोर्ट। मेरे पास एंड मैक्सिमम लोगों के पास अब एसेसरीज टाइप सी पोर्ट वाली है, तो आईफोन में डायरेक्ट यूज नहीं हो पाती थी, लेकिन अब सभी एसेसरीज परफेक्ट यूज में आ सकती है। जैसे मेरे पास ये टाइप सी पेन ड्राइव, टाइप सी ईयरफोन और टाइप सी एसएसडी सब काम में आते हैं, और अब तो हम इसे किसी भी टाइप सी केबल से चार्ज भी कर सकते हैं। मुझे लगा था इस फोन का टाइप सी पोर्ट वर्जन 3.0 है तो अल्ट्रा के 3.2 से डाटा ट्रांसफर स्लो करेगा, लेकिन एक्चुअल में इससे डाटा ट्रांसफर अल्ट्रा के कंपैरिजन में फास्ट है,
तो एप्पल ने एग्जैक्टली क्या किया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत फास्ट है। एक और पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इस फोन की कैमरा क्वालिटी, खासकर वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला। वैसे तो मैं लॉग में वीडियोस अभी रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन यहाँ वो भी कर सकते हैं। 4K 30fps या फिर 60fps वीडियोस की क्वालिटी का कोई मैच नहीं, और कुछ एडिट करने की भी जरूरत नहीं। मैं ज्यादातर वीडियोस आईफोन 15 या फिर इस आईफोन 15 प्रो मैक्स से ही रिकॉर्ड करती हूँ, और ये वीडियो क्वालिटी सिर्फ प्रोफेशन के लिए ही नहीं, आईफोन से फैमिली फंक्शंस के वीडियो भी रिकॉर्ड करके 5 से 6 साल बाद भी देखो तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इससे चाहे नॉर्मल फोटोज क्लिक करो या फिर पोर्ट्रेट, क्वालिटी अनमैच्ड है। मुझे पोर्ट्रेट पे खींचना बहुत पसंद है, और इसके 5x 2x से पोर्ट्रेट बहुत अच्छे आते हैं। इसके फ्रंट कैमरा से भी कोई शिकायत नहीं। यहाँ एप्पल इतने रुपए चार्ज करता है इस फोन के लिए, तो शिकायत का मौका बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जहाँ आईफोन एंड्रॉइड फोन से बहुत आगे है, प्रोसेसर। यहाँ एप्पल का बायोनिक A17 प्रो सच में प्रो लेवल का है। अब ये कंसोल लेवल के गेम भी प्रोवाइड करता है, तो क्लियर है कि इसका प्रोसेसर सच में नेक्स्ट लेवल का है। वीडियोस एडिट करने के बाद सेव करना बहुत फास्ट है, और कितनी भी बड़ी फाइल हो एडिट कर लो और प्रोसेसिंग एकदम स्मूथ है। साथ में इस बार रैम 8GB है, तो एप्स बैकग्राउंड में एज इट इज ही रहते हैं। लेकिन यहाँ एप्पल से एक शिकायत है कि इतनी बड़ी स्क्रीन है फिर भी इस पर मल्टीटास्किंग अलाउड नहीं करता। टाइटेनियम की बात करना बहुत जरूरी है। नो डाउट टाइटेनियम कलर बेस्ट है मेरे हिसाब से, और टाइटेनियम फ्रेम होने का बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रेम पर स्क्रैचेस नहीं आ रहे। मैंने इसे विदाउट केस ही यूज किया है, और अभी तक फ्रेम पर एक माइनर स्क्रैच भी नहीं। वैसे इस बार फ्रेम से ज्यादा बैक ग्लास का टेंशन है, जब से जेरी भाई ने इसका ग्लास तोड़ा है। बट मुझे लगता है जब तक इसे इंटेंशनली फोर्स अप्लाई नहीं करते, ये इस तरह से नहीं टूटने वाला। और रही बात एक्सीडेंटल ब्रेक की, तो वो किसी भी ग्लास के साथ हो सकता है। बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट से आईफोन को मैच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सैमसंग सेम लेवल की बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अब यह IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ है, जो 6 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए सबमर्ज रह सकता है। मैंने आईफोन 15 प्रो स्विमिंग पूल में यूज किया था, और उसे कोई इश्यू नहीं हुआ। मौका मिलने पर इसे भी यूज किया जाएगा। यहाँ डायनामिक आइलैंड अच्छा इसलिए है कि फेस आईडी इसके अंदर है, नहीं तो मुझे पंच होल कैमरा कटआउट ज्यादा बेटर लगता। साथ ही इसका एक्शन बटन कुछ खास यूज का नहीं, मैंने तो इसे म्यूट स्विच पर डिफॉल्ट रखा है, क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। हो सकता है कुछ लोग इसे और अच्छे से यूज कर पाए। मेरे लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैप्टिक फीडबैक। पिक्सल फोन यूज करके अच्छे हैप्टिक्स की आदत हो गई है। इस फोन के हैप्टिक्स कमाल के हैं, फिर भी मुझे पिक्सल के हैप्टिक्स ज्यादा बेटर लगते हैं। नेटवर्क क्वालिटी टॉप क्लास की है। आई थिंक आईफोन में सबसे ज्यादा स्टेबल नेटवर्क रहता है, और सिर्फ स्टेबल ही नहीं, एक रिपोर्ट के हिसाब से 5G स्पीड भी यहाँ सबसे अच्छी है। रोमिंग में भी कोई इशू नहीं नेटवर्क का, और जब नेटवर्क स्टेबल है तो कॉल ड्रॉप जैसा भी कोई इशू नहीं। इस फोन में सिम स्लॉट नहीं है, तो यहाँ eSIM यूज कर सकते हैं, और eSIM परफेक्टली वर्क करती है, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ दो सिम एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये US मॉडल नहीं मिलता, तो मैं 1,60,000 पर इस फोन को बाय नहीं करती, और S23 अल्ट्रा को ही यूज करती रहती S24 अल्ट्रा के लॉन्च तक। यहाँ मैं दोनों साइड से बैक जेस्चर्स मिस करती हूँ, क्योंकि आईफोन में सिर्फ एक ही साइड से बैक जेस्चर काम करता है। दूसरा पॉइंट, नियर बाय शेयर मिसिंग फील होता है जब भी एंड्रॉइड फोन एंड टैबलेट के साथ डाटा ट्रांसफर करना हो तो। थर्ड पॉइंट, यहाँ सारे नोटिफिकेशन एक साथ क्लियर नहीं कर सकते हर बार, कभी कभी हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम कैमरा सेटिंग्स हो या फिर वॉलपेपर चेंज करना हो तो सेटिंग में जाकर ही चेंज कर सकते हैं। और भी एक दो पॉइंट हो सकते हैं जो यहाँ मिस होते हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस एक नंबर है, और 24 अल्ट्रा के आने तक यही फोन में यूज करूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।